इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तैयार हो जाइए, जनवरी का महीना शुरू और तीन T20 के बाद तीन ODI मैचेस खेलेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया भारत आ रहा है और यहाँ हमारे साथ वो खेलेगा तीन तीन वन डे मैच, यानी कि 50 ओवर का तीन मैच हमें खेलना है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसके लिए दादा ने एक नसीहत दी है विराट कोहली की सेना को कि जरा संभल कर खेलिएगा, ये श्रीलंका नहीं ऑस्ट्रेलिया है। और इस पर आज बात करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार अमन जी। दादा ने जो कहा है सर कि ऑस्ट्रेलिया है, संभल कर खेलना, जीतना तो तय है, जीतोगे तुम ही क्योंकि टीम स्पिरिट है और उसको कैसे जीतना है वो तुम्हें हैंडल करना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया है, बच कर रहना बस। देखिए मुझे याद आता है जब भी गांगुली का जिक्र आप करते हैं मैं एकदम 2002-2003 की मेमोरी में पहुंच जाता हूं कि वो वक्त ऐसा था कि जब दादा आपकी टीम हुआ करती थी और एक तरफ ऑस्ट्रेलियंस हुआ करते थे, दुनिया में दबदबा उनका हुआ करता था, लेकिन एक इंडियन टीम थी जो हमेशा उनको उनके माध में कैद कर रखती थी। तो ये इंडियन टीम की खास बात थी और दादा को बड़ा अनुभव है इन चीज़ों का। जब आप उस वक्त की अगर टीम देखें तो दादा खुद कहते हैं, कभी उनके स्टेटमेंट आप सुनो कि उनको अगर किसी टीम के खिलाफ जो मैच खेले में लगता था तो मेरे ख्याल में वो ऑस्ट्रेलियंस टीम थी, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत जबरदस्त बैटिंग, बैट जो उनकी बल्लेबाजी और क्या लाजवाब फील्डिंग। तो ये जो डिपार्टमेंट थे उनके बड़े ही ताकतवर थे, कहीं भी कमजोरी नजर नहीं आती थी। एक से एक तगड़ा बैट्समैन, एक से एक तगड़ा गेंदबाज, फील्डिंग तो क्या कहिए, एक बेमिसाल टीम थी उस वक्त की अगर ऑस्ट्रेलियंस को कहा जाए। लेकिन हाँ, दादा ने अगर अब कहा है तो उन्होंने यही कहा कि देखिए भले ही वो पुराने खिलाड़ी ना रहे हो, वो ना बड़े नाम ना रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर भी ये टीम पलटवार करने में माहिर है। अभी भी इनके पास स्मिथ हैं, वार्नर हैं और धाकड़ गेंदबाज, धाकड़ बल्लेबाज फिंच इनके पास हैं, इनके पास जो है जो और जो गेंदबाज हैं स्टार्क इनके पास हैं। तो ये टीम अभी भी मजबूत है और ये टीम की विशेषता यही है कि ये कभी भी डाउन पे नहीं जाती, कहीं ना कहीं से अपने गेंदबाज बल्लेबाज निकाल लाती है। तो गांगुली यही सतर्क जो है करने के लिए टीम इंडिया को बोल रहे हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जीतोगे आप ही। देखिए होम ग्राउंड में मुकाबले हो रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से टीम इंडिया लगातार प्रदर्शन कर रही है, चाहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ की बात करें, बांग्लादेश के खिलाफ की बात करें, चाहे हम वेस्टइंडीज के खिलाफ जिस तरह से हमने वो हराया है उसकी बात करें, लगातार टीम इंडिया अपने मैदानों पर बेहतरीन खेल दिखा रही है। तो ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि टीम इंडिया इन मुकाबलों में बाकी अच्छा प्रदर्शन करेगा, फिर भी अगर जरा सी चूक होती है तो टीम के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि पैट कमिंस को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे महंगी खिलाड़ी कीमत पर खरीदा गया है, तो ये उनका जलवा है, 15 करोड़ के आसपास खरीदा गया है। तो ऑस्ट्रेलियंस के पास हमेशा बेंच जो उनकी है वो स्ट्रांग रहती है, उनके पास जो प्लेयर मैदान पर खेलते होते हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, तो टीम हमेशा उनकी इसीलिए बैलेंस रहती है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पर खेलने आ रही है। तो ऐसे में इंडिया को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि फिर ठप्पा ये लग जाएगा आपने कमजोर टीमों को हरा दिया लेकिन ताकतवर टीम से आप मुकाबला हार गए। और क्योंकि बहुत बड़ी साख है, क्योंकि दादा भी कहते हैं कि हाँ मुझे अगर कोई टीम के साथ खेल के खौफ नहीं जी, थोड़ा अनकंफर्टेबल या फिर मतलब एक हाँ मन में एक रहता था कि हाँ इस टीम के साथ तो भिड़ंत है, तो वो ऑस्ट्रेलिया था जी बिल्कुल। और जी वही बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये भी जरूर कहा जाएगा कि वो टीम इंडिया ही थी जिन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को हमेशा उनकी मान में कैद रखा, क्योंकि जिस तरह से उसमें गांगुली कप्तान टीम के थे, उसके ऊपर राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, एक से एक नायाब हीरा उनके पास भी था और इसी लिए उन्होंने टीम ऑस्ट्रेलियंस को बहुत जबरदस्त टक्कर दी और न सिर्फ टक्कर दी बल्कि कई मुकाबले में जीत भी दर्ज की। तो ये दादा की सीख है जो टीम इंडिया के लिए है, लेकिन क्या टीम इंडिया उस पर खरा उतर पाएगी, क्या विराट कोहली उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या मैदान पर जो प्लेयर्स खेलने उतरेंगे क्या वो उनकी सलाह को मानेंगे और क्या टीम इंडिया एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हरा पाएगी, तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन गांगुली ने आगाह जरूर कर दिया है कि भाई जरा संभल कर, क्योंकि आप सफलता के आसमान पर तो जरूर हो लेकिन जरा अपने आप को चेक भी करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी टीम सामने आए और आपकी टीम भरभरा कर गिर पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए इस पर। तो चलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हाँ हम जीत रहे हैं और वो लय हमारे साथ बरकरार है, वो मेंटेन हम करके चल रहे हैं, लेकिन हमें इसी लय को फॉरवर्ड करना है, आगे बढ़ाना है और इसी पे कायम रखकर सारे मैचेस जीतने होंगे, क्योंकि तीन T20 जब हम श्रीलंका से खेलेंगे तो हमारे पास वक्त बहुत कम होगा। 10 जनवरी को आखिरी T20 खत्म होगा और 11-12-13 तीन दिन बचेंगे हाथ में, 14 तारीख को यानी कि 14 जनवरी को पहला ODI मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा, तो हमें वो मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि इवन जब खुद BCCI के प्रेसिडेंट होकर सौरव गांगुली कह रहे हो, खुद भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं, तो पूर्व कप्तान जब कह चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा बच के रहना और यहाँ पे आपको जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शिखर भी आपके पास है, रोहित आ जाएंगे, KL आपके हाथ में, तो और उसके बाद नंबर 3 की बल्लेबाजी, तो माशाल्लाह आपके पास विराट कोहली है, और लेकिन नंबर 4 पर उस वक्त थोड़ा मजबूत रहिएगा क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे गेंदबाज भी बल्लेबाज कब बनता है किसी को पता नहीं चलता, और हाँ गेंदबाजों से थोड़ा बचने की जरूरत है, और साथ ही साथ हमारे जो गेंदबाज हैं यानी कि जसप्रीत बुमराह उनको थोड़ा ट्रेन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो अपने लय में रहेंगे, क्योंकि मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है, अगर वो अपनी लय में रहेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान वो ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा सकते हैं, और वही हमें करना भी है, हमें ऑस्ट्रेलिया को किसी न किसी तरीके से यहां हमें अपने ही होम ग्राउंड में हराना होगा। तो लगातार जनवरी का दो मैच हमें देखने लायक होगा, श्रीलंका और
ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो फिलहाल दीजिए इजाजत होते हैं क्रिएन एक्सेंट स्पोर्ट्स।